वेलकम बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूनिट 2 का। एरर डिटेक्शन की जो जहाँ तक बात आती है, तो ये जो एरर डिटेक्शन का टॉपिक है, ये आपको डेटा लिंक लेयर पर भी मिलता है एज वेल एज़ ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी मिलता है। अभी आप लोग यूनिट 2 कर रहे हैं तो डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्शन होता क्या है, उससे पहले समझते हैं कि ये एरर क्या होता है। व्हाट इज़ दिस एरर? एरर का मतलब होता है जो हमारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या फिर जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसके बिट में चेंज आ जाना। क्योंकि हम लोग जिस मैसेज की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के डेटा की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में, यानी 1001 के फॉर्मेट में। तो इसमें अगर कभी 1 का 0 हो गया या 0 का 1 हो गया, तो इसी चेंज को, इसी पर्टिकुलर चेंज की वजह से पूरा का पूरा मैसेज चेंज हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट वी सेइंग एरर। जैसे मान लो लिखा हुआ है 101, यानी कि जैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको ऐसा मैं कन्वर्ट कर दूँ 110, यानी 0 को 1 और 1 को 0 कर दूँ, तो अभी ये 6 बन चुका है, यानी अब ये नंबर चेंज हो गया। ये नंबर का जो चेंज है, इससे ओवरऑल पूरा का पूरा मैसेज बदल गया। मैं 5 कहना चाहता था, कह दिया 6। तो इसी कारण से एरर का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरर जो है, मतलब सॉरी, ये जो डेटा लिंक लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। जो सेकेंड लेयर पर ही अगर हम एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको ठीक करने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें एरर का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर को डिटेक्ट किया जाए। एरर डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर एरर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो गलत मैसेज को प्रोसीड कर जाओगे, तो पता भी नहीं चलेगा और गलत मैसेज पे ही काम कर रहे होंगे। तो हमें सही मैसेज पता लगाना है तो उसके लिए एरर को डिटेक्ट करना पड़ता है, कहीं कुछ एरर तो नहीं हुआ। तो एरर कितने टाइप्स के होते हैं, अब बात इस पर आती है। तो एरर जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल बिट एरर, एक होता है बर्स्ट एरर, ठीक है। सबसे पहला हुआ सिंगल बिट एंड सेकेंड हुआ बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब होता है कि पूरे मैसेज में एक बिट का चेंज हो जाना। जैसे मान लो मैसेज था 1011111 और ये तो सेंड किया था मैंने, लेकिन जब मेरे को रिसीव हुआ तो ये 1111101 ये रिसीव हुआ। तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक बिट चेंज हो गया। ये एक बिट सिर्फ चेंज हुआ, ओवरऑल पूरा का पूरा मैसेज बदल गया। अब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर कुछ और हो चुका होगा जो ये नहीं है, ठीक है। तो एक बिट के बदलने से भी ओवरऑल पूरा का पूरा मैसेज बदल गया, एंड दिस एरर शुड बी डिटेक्टेड। इसी एरर को हमें पता लगाना है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, एरर डिटेक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर होगा, विद द नेम, कि जिसमें एक से ज़्यादा बिट्स में चेंज आ जाए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 101101 ऐसा लिखा हुआ है, और जब रिसीव हुआ तो वो मेरे को हुआ 100100, ये रिसीव हुआ, ठीक है। तो यू कैन चेक कि ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर एक बिट में चेंज हुआ, इस जगह पर बिट में चेंज हुआ, अगला बिट सेम है, अगला बिट सेम है, और एक आखिरी बिट पे सेम चेंज हुआ, इस जगह पर चेंज हो रहा है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमें इन 2 जगहों पर बिट में चेंज मिला। एक से ज़्यादा बिट अगर एक्सचेंज हो गए, 0 से 1 या 1 से 0 हो गए, तो दैट काइंड ऑफ एरर इज़ नोन एज बर्स्ट एरर। 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ पर भी डिजिट्स बदल जाएंगे, जहाँ पर एरर आएगा, उस जगहों पे हम लोग कहते हैं बर्स्ट एरर हुआ है। तो जनरली हमें बर्स्ट एरर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो मैसेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है लेंथ में, हमें बहुत रेयरली ही सिंगल बिट एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द एरर, ठीक है, ये क्या है? यहाँ तो मैं दिख रहा है कि 2 बिट चेंज हुआ, इस कारण से हम लोग क्या कह रहे हैं, 2 बिट के चेंज होने से ये बर्स्ट एरर है। लेकिन अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एरर, तो आंसर 2 नहीं होगा। ये नहीं कि 2 बिट चेंज हुए तो आप कह दो कि 2 आंसर है। इसमें लेंथ ऑफ एरर कहलाता है फर्स्ट पोजीशन जहाँ पर बिट चेंज हुआ, एंड द लास्ट पोजीशन जहाँ पर बिट चेंज हुआ, इनके बीच का ये जो डिजिट्स हैं, इसके लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ द एरर कहते हैं। जैसे इसमें 4 डिजिट है, तो लेंथ ऑफ द एरर वुड बी 4, ठीक है। जबकि सर 2 ही बिट चेंज हुए, बट लेंथ ऑफ द एरर विल बी 4। ये बात समझ भाई, लेंथ ऑफ द एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर चेंज मिला आपको और सबसे आखिरी पॉइंट जहाँ चेंज मिला, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसी लेंथ को लेंथ ऑफ द एरर कहा जाता है। क्योंकि इन 2 चेंजेस के कारण इसके बीच का ओवरऑल पूरा मैसेज बदल चुका है, इस कारण से इसे लेंथ ऑफ द एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात एरर की, एरर है क्या, एरर को डिटेक्ट क्यों करना है। अब हमारे पास एरर डिटेक्शन के कुछ मेथड्स हैं, हमें उन मेथड्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करनी है। जैसे कौन कौन से मेथड हैं, सबसे पहला आता है सिंपल पैरिटी, जिसमें इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के बारे में बात करेंगे। फिर होगा 2D पैरिटी चेक, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड वर्चुअल पैरिटी चेक के बात करेंगे। देन आता है चेकसम, जिसमें समेशन का कंसेप्ट आएगा।
फिर आता है सीआरसी। सीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉप जनरलाइजेशन से यही होगा, सीआरसी एग्ज़ाम में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। सीआरसी क्या होता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और अगर आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया इनमें से किसी भी मेथड की मदद से, ये वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एरर को करेक्ट भी किया जा सकता है क्या? तो ऐसा हर बार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन ट्राई। देयर इज़ वन मेथड, दैट इज़ हैमिंग कोड मेथड। हैमिंग कोड की मदद से हम इस एरर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हम लोग सीखेंगे फर्दर वीडियोज़ में। अभी के लिए इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा आखिर ये एरर डिटेक्शन करेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, लेंथ ऑफ द एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास एरर को डिटेक्ट करने के लिए, और करेक्टिंग मेथड कौन सा है। समझ में आए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।